सो कैंपस ऑफ क्रोसपंडस लर्निंग के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अंदर आप दिल्ली के अंदर दिल्ली कोर्ट के अंदर वैकेंसी निकली है। आप पीएन की और डाक पीएन की ऑर्डरली की और उसके बाद स्पाई कर्मचारी स्वीपर या स्पाई कर्मचारी चौकीदार की और प्रोसेस सर्वर की और प्रोसेस सर्वर की 276-4 और 33-23-76 ये पोस्ट दी गई है। अलग अलग कैटेगरी के अंदर पोस्ट है। आपकी 18 से 27 के बीच एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2021 के अनुसार। उसके बाद आपको प्रोसेसर के अंदर आपको 10वीं पास और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और पीएम ऑर्डरली और पीएन डाक पीएन चौकीदार के लिए और स्पाई क्रम स्वीपर या स्पाई कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना चाहिए, ओनली 10वीं पास होना चाहिए। आपको TADA दिया जाएगा। आप को 500 रुपये फीस है OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, 250 रुपये फीस है SC ST PWD EWS एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। आप 7 फरवरी 2021 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं सुबह के 10 बजे से और 21 फरवरी 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे शाम के 5 बजे तक। और आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चाहिएगा इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद ये देख लेते हैं, अगर आप सभी पोस्ट भरना चाहते हैं तो आपको ये तीन पोस्ट है पीएन डाक पीएन चौकीदार और स्वीपर और स्पाई कर्मचारी के लिए A5A, A5B, A5C ये पोस्ट कोड है। आप इनको प्रेफरेंस वाइज दे सकते हो। अगर आपको प्रोसेस सर्वर का भी फॉर्म भरना तो A6 के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा और आप फॉर्म भर सकते हो www.dillidistrictcourts.nic.in पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए और उसके बाद ये एज रिलैक्सेशन दे रखा 5 साल SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल, PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल। और ये सिलेबस आपका पीएन चौकीदार और स्पाई और स्वीपर और स्पाई कर्मचारी के लिए आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा और आपको 10वीं पास होना चाहिए। और उसके बाद प्रोसेस सर्वर के लिए आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट और इंटरव्यू होगा। आपके पास 10वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग के अंदर। उसके बाद फॉर्म भरने 7 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। 21 फरवरी 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपकी जो टेस्ट की डेट है वो अभी नोटिफाइड नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस रहेगा। ये देख लो, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आप पीएन ऑर्डरली और डाक पीएम चौकीदार स्वीपर या स्पाई कर्मचारी का प्रोसेस सर्वर का जो MCQs बेस 100 मार्क्स आएंगे फर्स्ट पेपर है उसके अंदर 50 नंबर चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जैसे जनरल के लिए SC ST OBC EWS PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 45 नंबर चाहिए, कम से कम इतने नंबर चाहिए। और टायर 2 के अंदर जो प्रोसेसर ओनली प्रोसेस सर्वर का होगा टायर 2 एग्जाम ड्राइविंग टेस्ट होगा जिसके अंदर। उसके बाद टायर 3 के अंदर जनरल कैटेगरी को 5 नंबर चाहिए इंटरव्यू के अंदर, 5 नंबर आने चाहिए कम से कम SC ST OBC PWD EWS के लिए 4 नंबर कम से कम आने चाहिए जो कि 15 नंबर का होगा।
उसके बाद सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस के अंदर 25 नंबर की हिंदी इंग्लिश आएगी, 25 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन हिंदी आएगी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के जनरल नॉलेज आएगी इंक्लूडिंग करंट अफेयर, 25 क्वेश्चन 25 मीन्स नंबर के, और अर्थमेटिक मैथ आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 120 मिनट का ये पेपर होगा, उस 120 मिनट का ये पेपर होगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 160 मिनट दिए जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1.25 नंबर की, 2.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये प्रोसेस सर्वर के लिए भी ये वो है, इसके अंदर एग्जाम का वो है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ड्राइविंग आप इसकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन सबमिट ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल कैंपस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस लर्निंग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।